मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के अप्लाइड मैकेनिक्स के इस लेक्चर में हम कुछ नए सिद्धांतों के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर की हमारी लर्निंग्स रहेंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, बलों के सुपरपोजिशन का सिद्धांत। उसके बाद हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस, बलों का त्रिभुज नियम। उसके बाद हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस, बलों का बहुभुज नियम। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ओके, तो बलों का सुपरपोजिशन का सिद्धांत ये क्या कहलाता है, देखते हैं। यदि किसी दृढ़ पिंड पर कार्यरत विभिन्न बल निकायों, है ना, कैसा पिंड है, दृढ़ पिंड है, उस पर बहुत सारे बल निकाय लग रहे हैं, उनमें से ऐसी किसी यदि किसी संतुलित बल निकाय को जोड़ अथवा घटाया जाए, ऐसा करने से इसका कोई भी प्रभाव पिंड पर नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी दृढ़ पिंड पर बहुत सारे सिस्टम ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, उसमें से अगर हम किसी एक संतुलित बल निकाय को, एक संतुलित एक बैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्सेस को हटा लें या उस दृढ़ पिंड पर जोड़ दें, तो ऐसा करने से क्या होगा, उस दृढ़ पिंड के प्रभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ, अगर वो दृढ़ पिंड विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा, अगर वो गति की अवस्था में है तो उसी समान चाल से उस दिशा में गति करता रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। पे आइए, ये मैंने यहाँ पे एक दृढ़ पिंड लिया हुआ है, एक ग्राउंड पे कोई एक ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक पे दो सिस्टम ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। पहला सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है, एक बल निकाय ए कितना है, 200 न्यूटन का, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ लग रहा है। ये सिस्टम ऑफ फोर्स हमारा पहला बल निकाय हो गया। दूसरा बल निकाय हमारा कौन सा है, 100 न्यूटन के फोर्स, ग्राउंड से 300 मीटर की ऊंचाई पे लग रहे हैं, 100 न्यूटन के फोर्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और 100 न्यूटन के फोर्स 3 मीटर की ऊंचाई पर ही इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होंगे। मतलब क्या हुआ, ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैसा हो गया, एक बैलेंस, एक संतुलित सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो गया, एक बैलेंस सिस्टम ऑफ फोर्सेस हो गया। हमारा बल निकाय बी कौन सा है, 100 न्यूटन का फोर्स इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड 100 न्यूटन का फोर्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, तो ये कैसा हो गया, ये संतुलित बल निकाय हो गया। अब अगर हम इस संतुलित बल निकाय को इस दृढ़ पिंड से हटा लेते हैं, तो हमने हटा लिया दृढ़ पिंड से भी संतुलित बल निकाय को हटाने पर। ओके, ऐसा करने से क्या होगा, क्या इस पिंड की अवस्था में कोई परिवर्तन होगा, क्या इस पिंड के अंदर गति उत्पन्न हो जाएगी, नहीं, क्या ये पिंड उसी अवस्था में रखा रहेगा पहले जो पहले की अवस्था में था, हाँ, क्योंकि ये अभी भी विराम अवस्था में था, पहले भी विराम अवस्था में था, अभी भी विराम अवस्था में रहेगा। ठीक है, तो इसको इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर किसी संतुलित बल निकाय को किसी दृढ़ पिंड से हटा लें, तो ऐसा करने से उस दृढ़ पिंड पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। अगर हम कुछ जोड़ देते हैं, मान लेते हैं इस दृढ़ पिंड पे हम किसी संतुलित बल निकाय को जोड़ देते हैं, तो एक बल निकाय 200 न्यूटन का नीचे की तरफ लग रहा है, सिस्टम ऑफ फोर्सेस ए, सिस्टम ऑफ फोर्सेस बी हमारा 100 न्यूटन का फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एंड 100 न्यूटन का फोर्स इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अगर हम इस पे कोई और सिस्टम ऑफ फोर्सेस को जोड़ दें, जैसे मान लीजिए हमने एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस इस पे और जोड़ दिया, दैट इज 100 संतुलित बल निकाय, वो कैसे जोड़ेंगे, संतुलित बल निकाय हमने यहाँ पे जोड़ा 50 न्यूटन। ओके, 50 न्यूटन हमने इधर से जोड़ दिया इस संतुलित बल, क्योंकि हमें संतुलित करना पड़ेगा इसको, संतुलित बल निकाय जोड़ना है, हम केवल एक फोर्स को नहीं जोड़ सकते अगर हम संतुलित बल निकाय को जोड़ रहे हैं तो। ठीक है, तो ऐसा करने से भी क्या इस पिंड की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं, इस पिंड की विराम अवस्था में कोई परिवर्तन आएगा, नहीं। तो ठीक है, तो संतुलित बल निकाय को जोड़ने अथवा घटाने से उस पिंड के प्रभाव में, उस पिंड पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसे हम क्या कहते हैं, बलों का सुपरपोजिशन का सिद्धांत कहते हैं। ओके, इस नियम को हम दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि किसी पिंड पर लगने वाले विभिन्न बल निकायों का पिंड पर जो प्रभाव होता है वो संयुक्त प्रभाव होता है। ठीक है, इसको इसका स्टेटमेंट इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस, बलों के त्रिभुज का नियम। तो बलों के त्रिभुज का नियम क्या कहता है, आइए देखते हैं। इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड के एक ही बिंदु पर लगने वाले दो बलों को चक्रीय क्रम में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, तो उनका परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा, परंतु उसके कार्य करने की दिशा उपरोक्त बलों के चक्रीय क्रम के विपरीत होगी। क्या मतलब हुआ इसका, मान लेते हैं कोई दृढ़ पिंड, कोई पिंड है, ये कोई पिंड है, ठीक है, इस पिंड पे के एक ही बिंदु पर कितने बल लग रहे हैं, दो बल लग रहे हैं। ठीक है,
ये कोई दृढ़ पे कोई हमने बिंदु ले लिया, इस बिंदु पे दो बल लग रहे हैं, एक बल इस दिशा में लग रहा है, मान लेते हैं इसका उसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बल किसी दूसरी दिशा में लग रहा है, मान लीजिए इसको हम क्यू बल कहते हैं। ठीक है, क्या कहता है ये नियम, इन दो बलों को यदि चक्रीय प्रक्रम में किसी त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके। ठीक है, इन दो बलों को हम किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से निरूपित करते हैं चक्रीय प्रक्रम में इन सेम डायरेक्शन। तो मान लीजिए बल पी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है, उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए और डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड। ओके, ये हमने बल पी को रिप्रेजेंट किया, सपोज ये त्रिभुज की जो भुजा है वो कौन सी है, ए बी। अब हम बल क्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि जो बल पी हमने रिप्रेजेंट किया था उसका जो हेड है वहाँ से बल क्यू का टेल शुरू होगा। ठीक है, तो हेड और टेल को मिलाते हुए तभी चक्रीय क्रम बनेगा। ठीक है, तो हम बल क्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन, जो बल क्यू की दिशा है उसको परिवर्तित नहीं करना है, बल क्यू का जो मैग्नीट्यूड है उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बल क्यू। ओके, सपोज दिस इज बी टू सी। ओके, तो क्या कहते हैं, यदि किसी त्रिभुज के दो आसन भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, दो आसन भुजाओं से निरूपित कर दिया, कौन से क्रम में, चक्रीय क्रम में, इन सेम डायरेक्शन चक्रीय क्रम में, तो इन बलों का परिणामी, इन दो बलों का परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा निरूपित होगा। ठीक है, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा कौन सी होगी, ये होगी ए टू सी, तब तो त्रिभुज कंप्लीट होगा। लेकिन क्या कह रहे हैं, तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित तो होगा परंतु उसके कार्य करने की दिशा उपरोक्त चक्रीय क्रम के विपरीत होगी। तो ये हमारा चक्रीय क्रम ये हो गया, तो तीसरे बल की दिशा कौन सी होगी, इसके विपरीत, इसके चक्रीय क्रम के विपरीत, यानी कि इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो ये बल हो गया मान लीजिए आर, तो बल आर जो होगा वो क्या होगा, परिणामी होगा, बल आर जो होगा वो परिणामी बल होगा किसका, बल पी और बल क्यू का। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बलों का त्रिभुज नियम कहते हैं। ठीक है, इस नियम से हम क्या कर सकते हैं, दो बलों का परिणामी निकाल सकते हैं बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफ का यूज करते हुए डिस्कस करते हैं कन्वर्ट्स लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, बलों के त्रिभुज नियम का ब्लूम। ठीक है, तो बलों का त्रिभुज नियम क्या कहता था कि अगर हम किसी दृढ़ बिंदु पे दो फोर्स लग रहे हैं और उनको एक ही बिंदु पे लग रहे हैं तो उनका परिणामी हम निकाल सकते हैं उसको त्रिभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित करके। ओके, तो त्रिभुज के नियम का विलोम क्या कहता है, ये कहता है यदि किसी पिंड के एक ही बिंदु पर लगने वाले तीन बल, कैसे किसी पिंड के एक ही बिंदु पर तीन बल लग रहे हैं और कैसे हैं, बल जो है वो संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था का मतलब क्या हुआ कि उन बलों का जो संयुक्त प्रभाव है उस पिंड पे कितना है, जीरो है, नेट फोर्स इक्वल टू कितना है, जीरो है। ठीक है, तो उन्हें त्रिभुज की भुजाओं द्वारा चक्रीय क्रम में परिमाण तथा दिशा में व्यक्त किया जा सकता है। तो ऐसे बलों को हम क्या कर सकते हैं, किसी त्रिभुज की भुजाओं द्वारा चक्रीय क्रम में निरूपित कर सकते हैं। ओके, क्या मतलब हुआ, बल पी इन दिस डायरेक्शन, बल क्यू इन दिस डायरेक्शन, बल आर इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो हमने क्या किया, हम इससे एक त्रिभुज अगर कंप्लीट हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ, बल कैसे होंगे, वो संतुलन की अवस्था में होंगे। ठीक है, बल पी को हमने रिप्रेजेंट किया ट्राइंगल ए बी की एक भुजा से, अब इसकी दिशा और परिमाण को नहीं परिवर्तित करना है, इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। ओके, बल क्यू को कहाँ से निरूपित करेंगे, दूसरी भुजा से, बी सी से। ओके, दिशा वही रहेगी, परिमाण वही रहेगा, दिशा वही रहेगी, परिमाण वही रहेगा, लेकिन बल क्यू का जो टेल होगा वो बल पी के हेड से उसको जोड़ते हुए ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बल आर जो है वो नीचे की तरफ, बल की जो दिशा है, बल आर की दिशा में हमने क्या किया, ट्रायंगल की तीसरी भुजा को कंप्लीट किया सी टू ए। ठीक है, अगर ये तीनों बल संतुलन की अवस्था में हैं तो ये ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसे हम ग्राफिकल मेथड से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में ये बल होंगे तब ये ट्रायंगल जो है वो कंप्लीट होगा, अगर ये बल संतुलन की अवस्था में नहीं होंगे तो तीसरी भुजा द्वारा इसका, इन दो बलों का परिणामी प्राप्त किया जा सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ फोर्सेस, बलों का बहुभुज सिद्धांत। तो बलों का बहुभुज नियम क्या कहता है, यदि किसी पिंड के एक ही बिंदु पर कार्यरत सभी बलों को परिणाम तथा दिशा द्वारा
एक बंद बहुभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके। तो सभी बल कैसे होंगे, स्वतः ही संतुलन की अवस्था में होंगे। अगर कोई द्रव कोई पेंड है उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, और अगर हम उन बहुत सारे फोर्सेस से को एक बंद बहुभुज, एक बहुभुज की बंद भुजाओं द्वारा निरूपित किया सके, एक बंद बहुभुज की भुजाओं से निरूपित कर पाएँ, इसका मतलब क्या हुआ, वो सारे बलों का कोई भी प्रभाव उस पिंड पर नहीं होगा। वो बल कैसे होंगे, संतुलन की अवस्था में होंगे। ओके, मान लीजिए ये कोई द्रव एक पिंड है, इस पिंड पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, P1, P2, P3, P4, P5। ओके, अगर हम इन बलों को बहुभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित करने का प्रयास करते हैं, हमने बल P1 को ड्रॉ किया बहुभुज की भुजा AB से, बल P2 इन सेम डायरेक्शन, बल P2 की दिशा में भुजा BC से निरूपित किया, बल P3 को बल P3 की दिशा में भुजा CD से निरूपित किया, बल P4 को बल P4 की दिशा में भुजा DE से निरूपित किया। ओके, और बल P5 को हमने EA भुजा से निरूपित किया बल P5 की दिशा में, ठीक है, उससे परिमाण को सेम रखते हुए। अगर ऐसा करने से ये त्रिभुज, ये बहुभुज कंप्लीट हो जाता है, बहुभुज पूर्णतः बंद हो जाता है। तो बहुभुज पूर्णतः बंद होने का मतलब क्या हुआ कि जो बल हैं वो कैसे होंगे, संतुलन की अवस्था में होंगे, मतलब इनका नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, शून्य होगा, जीरो होगा, ये संतुलन की कंडीशन होती है। ओके, हम इस नियम को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं त्रिभुज के नियम से। कैसे, ये फोर्स P1 है, ये फोर्स P2 है, इनका परिणामी कितना होगा, चक्रीकरण के विपरीत दिशा में। ओके, तो चक्रीकरण ये हुआ, इसके विपरीत दिशा में R1। अब यहाँ पे देखिए दूसरा त्रिभुज बन गया ACD, इसमें एक फोर्स हमारा कौन सा है, एक बल कौन सा है R1, दूसरा कौन सा है P3, तो इनका परिणामी ये चक्रीकरण बनेगा, इनका परिणामी जो होगा वो R2, वो चक्रीकरण के विपरीत दिशा में, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये ट्राइंगल यहाँ पे बना ADE। ओके, AD कौन सा है, फोर्स R2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, P4 फोर्स ED को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ऐसा करने से क्या हुआ, ये ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये तीनों बल एक ही दिशा में हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसे किसकी अवस्था में होंगे, संतुलन की अवस्था में होंगे, जैसे कि हमने त्रिभुज के विलोम नियम के का कथन पढ़ा था, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बहुभुज कंप्लीट हो गया, मतलब ये सारे के सारे बल कैसे होंगे, संतुलन की अवस्था में। ओके, इसको हम, अगर हमें परिणामी निकालना है, बहुत सारे बलों का परिणामी निकालना, तो हम बहुभुज की नियम की मदद से निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये बल कैसे हैं, संतुलन की अवस्था में नहीं है, ठीक है, तो हमने इसे एक बहुभुज की भुजाओं द्वारा निरूपित किया, P1, P2, P3, P4, P5। अब ये बहुभुज कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये बल जो है वो संतुलन की अवस्था में नहीं है, तो ये बहुभुज कंप्लीट नहीं होगा, ये बंद नहीं होगा। तो इसको बंद करने के लिए हमने क्या किया, विपरीत दिशा में एक बल ड्रॉ, फोर्स ड्रॉ किया फ्रॉम इनिशियल टू एंड। ओके, तो ये जो फोर्स होगा विपरीत दिशा में जो हम निरूपित कर रहे हैं, ये भुजा जो है वो किसको निरूपित करेगी, ये भुजा इन पांचों बलों के परिणामी को बताएगी, ठीक है, उसको उसके परिणामी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, ठीक है, उसकी दिशा जो होगी परिणामी की दिशा के बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, R=P1+P2+P3+P4+P5 इनका परिणामी बल होगा। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।